नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रोफेसर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, आज आपके सम्मुख पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि पर चर्चा कर रही हूँ। आलोचना के क्षेत्र में यद्यपि द्विवेदी जी से पूर्व आचार्य शुक्ल एक नया प्रतिमान स्थापित कर चुके थे, समीक्षात्मक आलोचना के रूप में, व्यावहारिक आलोचना के रूप में वे एक मान्यताएं स्थापित कर चुके थे, और उनसे पूर्व, शुक्ल जी से पूर्व, मिश्र बंधुओं द्वारा, लाला भगवान दीन द्वारा, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि के द्वारा ही महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा आलोचना की गई, परंतु वे आलोचना एक प्रारंभिक स्तर पर थी। वे एक तरह से आलोचना की भूमिका के रूप में हम उसे देख सकते हैं, और आलोचना के क्षेत्र में मुख्य धुरी जो है वो आचार्य शुक्ल हैं। तो जब आलोचना की बात की जाती है तो शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना, इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। शुक्ल पूर्व आलोचना में हम देखते हैं मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि जी, और शुक्ल जी के आलोचना और उनके समकालीन शांति प्रिय द्विवेदी आदि आलोचक हुए, बाबू श्याम सुंदर दास हुए, बाबू गुलाब राय हुए, ये उनके समकालीन आलोचक रहे। और शुक्ल जी के समकालीन ही पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हुए, परंतु इनका आलोचना कर्म हमें शुक्लोत्तर युग में ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्ल जी की मृत्यु के पश्चात ही इनका साहित्य, इनका आलोचनात्मक साहित्य प्रकाश में आया। और फिर उनके बाद आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह आदि, रामविलास शर्मा आदि अनेक आलोचक आए जो विभिन्न दृष्टियों से आलोचना करते रहे। तो आलोचना के क्षेत्र में समीक्षात्मक आलोचना, विवरणात्मक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना आदि अनेक प्रकार हो गए। और शुक्ल जी ने जिस आलोचना पद्धति को प्रारंभ किया, उस पद्धति को एक आगे बढ़ाने का कार्य या उसके पूरक के रूप में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास के संदर्भ में जिन पक्षों को नकार दिया या खारिज कर दिया, या उस साहित्य के उन पक्षों को छोड़ दिया, उन पक्षों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का आरंभ शुक्ल जी जहाँ से करते हैं, उससे पूर्व की जो परंपरा है उसको भूमिका के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी लेते हैं। तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को शुक्ल जी का प्रतिद्वंद्वी नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके आए हैं, और दोनों ने ही हिंदी साहित्य की आलोचना जगत को समृद्धि प्रदान की है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय साहित्य के कुशल अध्येता रहे। पुराण, धर्मशास्त्र, वैदिक साहित्य, संस्कृत के सभी ग्रंथ और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया। ज्योतिष शास्त्र के अध्येता रहे, संस्कृत के प्रकांड पंडित रहे, और जो इनकी विद्वत्ता है वह इनकी रचनाओं में, इनके आलोचना में स्पष्ट दिखाई देती है। लंबे समय तक शांति निकेतन में रहे और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के संपर्क में आए, आचार्य क्षितिमोहन सेन के संपर्क में आए, और इनके सानिध्य को प्राप्त करके इनकी विचारधारा में पर्याप्त निखार आया, और इन्हें ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। इससे पूर्व
आचार्य शुक्ल समीक्षा जो करते हैं वे सैद्धांतिक समीक्षा करते हैं, काव्य शास्त्रीय आधार पर रचना की समीक्षा करते हैं, उसके बहिरंग पक्ष पर उनका विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहता है, जो हमारी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा रही और जो पाश्चात्य चिंतन परंपरा थी, उन दोनों का अध्ययन करके शुक्ल जी एक सैद्धांतिक समीक्षा हिंदी जगत में लेकर के आते हैं। पर द्विवेदी जी सैद्धांतिक समीक्षा में अग्रसर नहीं हुए, उस क्षेत्र में वे नहीं गए, उन्होंने काव्य शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना नहीं की, वे किसी भी रचना को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में, उसके समाज शास्त्रीय संदर्भों में देखते हैं और उसकी परंपरा के साथ जोड़ते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं, और इसीलिए वे ग्रंथ को और ग्रंथकार के जीवन को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी विचारधारा को विशेष महत्व देते हैं, और वे विशेष रूप से कहते हैं कि रचना, किसी भी रचना की आलोचना करने के लिए रचनाकार को जानना अति आवश्यक है, उसके परिवेश को जानना आवश्यक है, उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। वास्तव में द्विवेदी जी हिंदी के क्षेत्र से भारतीय साहित्य की ओर नहीं गए, अपितु भारतीय साहित्य के भीतर से गुजरते हुए हिंदी के क्षेत्र में आ पहुंचे हैं और उसमें अपने विशाल ज्ञान के साथ अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। वे केवल वर्तमान की बात नहीं करते, वे केवल समकालीन संदर्भों में रचना का मूल्यांकन नहीं करते, वे उसे एक परंपरा के रूप में देखते हैं, और इसलिए भारतीय साहित्य की एक विशाल परंपरा में से होते हुए हिंदी साहित्य तक पहुंचते हैं और अपनी विद्वत्ता से, अपने पांडित्य से, अपनी अध्येता वृत्ति से वे एक विशाल ज्ञान के साथ साहित्य जगत में, आलोचना जगत में वे एक सुनिश्चित स्थान बनाते हैं। द्विवेदी जी ने उस ऐतिहासिक और समाज शास्त्रीय समीक्षा पद्धति की नींव डाली जो साहित्य को अपने आप में स्वतंत्र मानकर नहीं चलती, बल्कि उसे संस्कृति की जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है। इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, संस्कृति से क्या अभिप्राय है, इन सभी बिंदुओं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंधों में चर्चा भी करते हैं, उन पर विचार भी करते हैं और अपनी दृष्टि भी स्पष्ट करते हैं। साहित्य समीक्षा की समाज शास्त्रीय पद्धति क्या है, उसका क्या अभिप्राय है, ये भी वे स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में सांस्कृतिक गतिविधि, लोक जीवन, राजनीतिक हलचल आदि को मध्य रखकर ही साहित्य का परीक्षण करना साहित्य की समाज शास्त्रीय पद्धति कहलाती है। कि केवल काव्य शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य का अध्ययन करना, रचना का मूल्यांकन करना, ये एक पक्षीय मूल्यांकन है। रचना जो है वो समाज से जुड़ी हुई है, समाज का ही प्रतिबिंब है, रचनाकार समाज की परिस्थितियों को, समाज की घटनाओं को, समाज की गतिविधियों को, सामाजिक जीवन को, तत्कालीन परिवेश को ही अपनी रचना में प्रस्तुत करता है। साहित्य समाज का ही प्रतिबिंब होता है, तो इसलिए जब आलोचना भी किसी रचना की जाती है तो उसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। तो इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य की समीक्षा समाज शास्त्रीय पद्धति से करते हैं, और समाज शास्त्रीय पद्धति में भी वे संस्कृति को, सांस्कृतिक गतिविधियों को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि कोई भी रचना सांस्कृतिक गतिविधियों से भी और लोक जीवन से भी प्रेरित होती है। अब संस्कृति से क्या अभिप्राय वे लेते हैं, संस्कृति से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या अभिप्राय है, वे संस्कृति को शाश्वत या एक देशीय वस्तु नहीं मानते,
उनके अनुसार वह प्रगतिशील, परिवर्तनशील और परंपरा निरंतर से मुक्त है। इस तरह साहित्य भी संस्कृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील किंतु प्रगतिशील है। तो केवल परंपरा को ही द्विवेदी जी स्वीकार नहीं करते, परिवर्तन के साथ साथ प्रगतिशीलता को भी महत्व देते हैं। संस्कृति कोई एक देशीय नहीं है, वह प्रगतिशील, परिवर्तनशील और परंपरा निरंतर से, परंपरा की निरंतरता से पूर्णतया मुक्त है। और साहित्य संस्कृति का अंग है, तो जैसे साहित्य संस्कृति परिवर्तनशील है, प्रगतिशील है, उसी तरह से साहित्य में भी परिवर्तनशील रहता है, प्रगतिशील रहता है। अगर साहित्य में ये सांस्कृतिक गतिविधि नहीं रहेगी तो वे साहित्य समाज से कट जाएगा, वे साहित्य जड़ हो जाएगा। तो इसलिए वे सांस्कृतिक गतिविधियों को, लोक जीवन को साहित्य का मुख्य अंग मानते हैं। और इसीलिए आलोचना भी जब की जाए तो इन संदर्भों में, सांस्कृतिक संदर्भों में की जाए। तो इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचना पद्धति है उसे सांस्कृतिक चेतना से युक्त कहा जाता है, उसे पारंपरिकता से युक्त कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को परंपरावादी भी कहा गया, उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वे परंपरावादी हैं, वे सांस्कृतिक चेतना वाले, एक रूढ़ चेतना वाले आलोचक हैं। परंतु उनकी ये पंक्तियाँ कि संस्कृति जो है वे प्रगतिशील, परिवर्तनशील और परंपरा निरंतर से मुक्त है, तो साहित्य भी उसी तरह से परिवर्तनशील और प्रगतिशील है। तो ये उनकी पंक्तियाँ उनके आरोपों, उन पर लगाए गए आरोपों का पूर्णतया खंडन करती हैं। अशोक के फूल द्विवेदी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध रहा है, जो अधिकांशतः विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। वहाँ वे कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वे सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है, वे कहीं ना कहीं सभ्यता को, संस्कृति को रौंद रही है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति अपनी निर्ममता के कारण इन संस्कृति को विनष्ट करते हुए आगे बढ़ रही है, और ये निरंतर बढ़ती हुई सब कुछ हजम कर रही है। इसी तरह से शुक्ल जी ने जब सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य कह करके खारिज कर दिया और उसे साहित्य ही नहीं माना, तब उसका विरोध करते हुए, प्रबल प्रमाणों का आश्रय लेते हुए द्विवेदी जी सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित करने का पुरजोर समर्थन करते हैं। वे इस विषय में कहते हैं कि उनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो धार्मिक तो हैं, किंतु उनमें साहित्यिक सरसता बनाए रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहां कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है, इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पड़ने लगी है कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेच्य नहीं है। मुझे ये बात उचित मालूम नहीं देती। जब ये कह रहे ना कि इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखलाई पड़ने लगी है, ये सीधा शुक्ल जी पर प्रहार है, क्योंकि शुक्ल जी ने उसे धार्मिक साहित्य कहकर, धार्मिक रचनाएं कहकर उन्हें विवेचना के योग्य ही स्वीकार नहीं किया, उन्हें आलोचना से ही बाहर कर दिया। तो वे कहते हैं कि मुझे ये बात उचित नहीं मालूम देती। धार्मिक प्रेरणा
या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो उन्होंने इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें आदिकाल पर उन्होंने विशेष रूप से आदिकाल की प्रवृत्तियों पर, उनकी विशेषताओं पर, उनके साहित्य पर चिंतन मनन किया और उसे साहित्य में प्रतिष्ठित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया, तो वह कहते हैं कि यदि हम जैन साहित्य को या नाथ बौद्ध साहित्य को, सिद्ध साहित्य को धार्मिक साहित्य कह करके साहित्य से बाहर कर देते हैं तो फिर हमें रामचरितमानस को भी बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी भक्ति की भावना प्रबल है, वे भी धर्म से प्रेरित है। जायसी का पद्मावत, वे भी सूफी धर्म से प्रेरित है, तो उसे भी हमें साहित्य सीमा से बाहर करना पड़ेगा। और यही क्यों, पूरा भक्तिकालीन साहित्य धार्मिक साहित्य कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम धार्मिक साहित्य पर मूलतः ये देखा जाना चाहिए कि वे जो धार्मिक साहित्य है उसमें साहित्यिक सरसता कितनी है, उनमें धर्म एक बिंदु है, धर्म केवल वहां पर एक प्रेरणा स्वरूप आया है, परंतु उसके साथ जो साहित्य में सरसता है, नाथ सिद्धों की वाणियां देखें, जैनियों का देखें, भले ही वे उपदेश प्रद है परंतु उसमें जिस तरह से प्रकृति दिखाई देती है, जिस तरह से वहां पर रचना का लालित्य दिखाई देता है, उसमें जैसी उपमाएं उत्प्रेक्षाएं दिखाई देती हैं, चाहे हम जैन साहित्य में स्वयंभू का साहित्य देख ले, उनकी पहुंचर्यु रचना देख ले, विमल सूरी का देख ले, अन्य जैन कवियों की रचनाओं को देख ले, ऐसे ही सिद्धों की रचनाएं, सरापा के दोहे, सरापा के पद, चर्यापद आदि, उनमें पर्याप्त सरसता है। तो उनको केवल धार्मिक साहित्य कह करके खारिज नहीं किया जा सकता। वे अगर हमें ऐसा करेंगे तो पूरा मध्यकालीन साहित्य को भी हमें साहित्य क्षेत्र से बाहर करना होगा। तो इस तरह से प्रबल तर्कों के माध्यम से, सबल प्रमाण दे करके वे हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को प्रतिष्ठित करते हैं, उसे हिंदी साहित्य का एक अंग मानते हैं। इसी तरह से द्विवेदी जी की दृष्टि आत्मगत और पूर्वाग्रह युक्त नहीं है। उन्होंने जो कुछ लिखा है ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार पर, उसे प्रमाणों और उदाहरणों से पुष्ट किया है। इससे पूर्व हम देखते हैं, चाहे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देखें या आचार्य शुक्ल जी को देखें, उनकी दृष्टि पूर्वाग्रह युक्त रही है। वो नैतिकता के मानदंडों पर रचना का मूल्यांकन करते रहे हैं, वैष्णवता के मानदंडों पर रचना का मूल्यांकन करते रहे हैं। और यही कारण था कि शुक्ल जी ने तुलसीदास की मानस को तो प्रतिष्ठित किया, उसकी प्रशंसा की, और कबीर को तो उन्होंने कवि ही नहीं माना। कबीर की रचनाओं को वे अनगढ़ और बिना सिर पैर की रचना कहते हैं, तो कबीर को वो खारिज करते हैं, उनको कवि नहीं मानते, उनके साहित्य को नाथ सिद्धों से प्रेरित, उनकी हठ योग से प्रभावित कह करके उसकी भर्त्सना करते हैं। वही द्विवेदी जी पूर्वाग्रह युक्त नहीं है, वे कबीर की रचना को कबीर कबीरत्व के रूप में देखते हैं, वे एक परंपरा के विकास के रूप में कबीर की रचना को देखते हैं। योगियों जैसा अक्खड़पन, कबीर का मस्त मोलापन, कबीर का जो प्रेम भावना, उनकी भावुकता जो तरलता से युक्त है,
उनकी जो वाणी का एक ओज है, एक तेज है, जिसमें वो उसे वाणी का डिक्टेटर तक कह देते हैं। तो इस तरह से शुक्ल जी जो कबीर को कवि ही नहीं मानते हैं, वहीं द्विवेदी जी कबीर पुस्तक की रचना करके, कबीर की आलोचना करके, कबीर को साहित्य जगत में एक सम्मानित स्थान का अधिकारी बताते हैं, वे उन्हें प्रतिष्ठापित करते हैं। उस समय दो आलोचक दृष्टियां बन गई, कबीर की वाणियों का संकलन करने वाले श्याम सुंदर दास, कबीर पर आलोचना करने वाले पीताम्बर दत्त बड़तवाल, रामचंद्र शुक्ला आदि कबीर को कवि नहीं मानते हैं, वे उनकी रचनाओं में साहित्यिकता नहीं देखते हैं। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें कबीरत्व को देखते हैं, उनकी रचनाओं में जो एक बेलाग बेखौफ एक पैनी दृष्टि है और सीधा स्पष्ट जनता से जुड़ने का जो एक भाव है, जो उसकी एक समाज शास्त्रीय दृष्टि से वे उसका अध्ययन करते हैं और कबीर को श्रेष्ठ कवि के रूप में भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो इस तरह से पूर्वाग्रह मुक्त होकर के एक उन्होंने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार पर अनेक प्रमाण देते हुए, अनेक उदाहरणों से पुष्ट करते हुए विभिन्न रचनाओं का और रचनाकारों का स्थान निर्धारित किया साहित्य में। ऐसी ही रीतिकालीन कविता को शुक्ल जी तो नकार देते हैं, वे उसे श्रृंगारिक, घोर श्रृंगारिक रचना मानते हुए, क्योंकि वो नैतिक मानदंड के पूर्वाग्रह से युक्त थे, वे उसे सम्मान नहीं देते हैं। पर द्विवेदी जी रीतिकालीन कविता में जो श्रृंगारिकता है उसको भी समाज शास्त्रीय दृष्टि से तत्कालीन परिवेश में देखते हुए, उसको गीत गोविंद की परंपरा से जोड़ते हुए और इसी तरह से नीति परक साहित्य को गाथा सप्तशती की परंपरा से जोड़ते हुए साहित्य में सम्मानित करते हैं। जहां शुक्ल जी रहस्यवाद को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, वहां द्विवेदी जी छायावादी रचनाओं की जब समीक्षा करते हैं तो उनके रहस्यवाद की भी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से द्विवेदी जी की समीक्षा दृष्टि इतिहास, संस्कृति एवं प्राचीन साहित्य के गहन अध्ययन से अनुप्राणित है। इनकी समीक्षा पद्धति गवेषणात्मक है। जब भी वो किसी भी रचनाकार की रचना को समीक्षा करने लगते हैं तो उससे पूर्व रचनाकार के जीवन, उसका जन्म, उसकी जाति, उसकी विचारधारा, उसके परिवेश की गवेषणा करते हैं। और इनकी यही शोध परक जो समीक्षा पद्धति रही, गवेषणात्मक समीक्षा पद्धति रही, उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक जो हमारे प्राचीन कवि थे, जो प्राचीन साहित्य था, वे आज हमें उपलब्ध हो पाया है, हम उनके बारे में जान पाए। क्योंकि प्राचीन साहित्यकार अपने विषय में कुछ भी कहना आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा मानते थे, तो वे अपने विषय में कुछ भी नहीं कहते थे। तो उन रचनाकारों के जीवन के विषय में अनेक संदर्भों को, उनके जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को सामने लाने का एक कार्य, एक श्लाघनीय कार्य द्विवेदी जी ने किया है। और इनकी समीक्षा दृष्टि इतिहास से, संस्कृति से, प्राचीन साहित्य के गहन अध्ययन से अनुप्राणित है। वे केवल वर्तमान की ही बात नहीं करते, केवल तात्कालिक संदर्भों की ही बात नहीं करते, उनकी जो व्यावहारिक समीक्षा है वे तीन बिंदुओं से होकर के निकलती है। वे तीन बिंदु क्या है? सर्वप्रथम उस रचना के ऐतिहासिक संदर्भ को जानना, उसकी संस्कृति को जानना, रचनाकार की विचारधारा को जानना, उसको वर्तमान के संदर्भ में मूल्यांकित करना और तत्पश्चात उसका एक निष्कर्ष निकालना। ये उनकी व्यावहारिक समीक्षा दृष्टि के तीन मुख्य बिंदु रहे हैं। इसी तरह से द्विवेदी जी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक, वैज्ञानिक
और समाज शास्त्रीय रहा है। ऐतिहासिक से अभिप्राय इतिहास नहीं है। वे इतिहास को गड़ा मुर्दा या विगत तथ्यों का ब्योरा नहीं मानते, बल्कि उसे एक जीवंत शक्ति मानते हैं। और इसी जीवंत शक्ति को वे साहित्य में देखते हैं, एक इतिहास की परंपरा के रूप में, एक ऐतिहासिक परंपरा के रूप में, एक जीवंत शक्ति के रूप में वे रचना का मूल्यांकन करते हैं। इतिहास सामाजिक जीवन धारा का प्रवाह है, जो एक ओर तो अपने परिवेश से संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो दूसरी ओर व्यक्ति को समष्टि में डुबोता रहता है। तो एक ओर वे ऐतिहासिक संदर्भों में जाते हैं और दूसरी ओर समाज शास्त्रीय दृष्टि से रचना का या रचनाकार का मूल्यांकन करते हैं। तो इतिहास सामाजिक जीवन धारा का प्रवाह है, तो एक वो जीवंतता जीवन शक्ति की बात करते हैं और व्यक्ति को समष्टि से जोड़ते हुए समाज शास्त्रीय दृष्टि से रचना की आलोचना करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। द्विवेदी जी की साहित्य विषयक जो दृष्टि थी वे मानवतावादी रही है, इसीलिए इन्हें मानवतावादी आलोचक भी कहा जाता है। द्विवेदी जी साहित्य को सामान्य जनता के जीवन से विच्छिन्न कोई अलग वस्तु नहीं मानते, मनुष्य को जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित करके ही उन्होंने समूचे साहित्य को देखने का प्रयत्न किया है। तो इस तरह से मनुष्य केंद्र में रहा है, मनुष्य का कल्याण, मनुष्य की भावनाएं, उसके सुख दुख वे केंद्र में रहे हैं और उसको प्रतिष्ठित करके ही इन्होंने समूचे साहित्य को देखने का प्रयास किया है। यह मनुष्य समग्र और मुक्त एक इकाई के रूप में है, विभिन्न वर्णों, वर्गों, धर्मों, संप्रदायों, जातियों, राष्ट्रों आदि की सीमाओं में बटा और बंधा मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य से अभिप्राय वो इन मनुष्यत्व से लेते हैं, समग्रता में उसको लेते हैं। विभिन्न वर्गों में, वर्णों में, संप्रदाय, धर्मों, जातियों आदि में बटा हुआ, विभिन्न सीमाओं में बटा हुआ या बंधा हुआ मनुष्य वो नहीं लेते, वे मनुष्य को एक इकाई के रूप में लेते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म संप्रदाय अथवा जाति का है। तो मनुष्य उनकी आलोचना के केंद्र में रहा है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास होते हैं, परंतु जब वे संस्कार जन्य प्रयोजन की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं तो उसमें मनुष्य की विराट एकता और अपार जिजीविषा का ऐश्वर्य प्रकट होता है। फिर वह किसी समूह में आबद्ध ना होकर मनुष्य मात्र की संपत्ति हो जाता है। तो इस तरह से एक मानवतावादी दृष्टिकोण से वे समीक्षा करते हैं। द्विवेदी जी संतुलित दृष्टि के समर्थक रहे, उनकी दृष्टि निरंतर सत्यान्वेषी रही, किसी पक्षपात से रहित होकर के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होकर के सत्य का अन्वेषण करना उनका मूल उद्देश्य रहा। वे स्पष्ट कहते हैं, संतुलित दृष्टि वह नहीं है जो अतिवादियों अतिवादिताओं के बीच में एक मध्य मार्ग खोजती फिरती है, बल्कि वे है जो अतिवादियों की आवेग तरल विचारधारा का शिकार नहीं हो जाती और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है। तो संतुलित दृष्टि मूल सत्य को पकड़ना है, ये सत्यान्वेषण है। दो अतिवादियों के बीच में एक मध्य मार्ग खोज लेना, ये संतुलित दृष्टि वे नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अतिवादियों के विचारधाराओं के बीच में से किसी एक पक्ष के मूल सत्य को पकड़ना ही संतुलित दृष्टि है। तो इस तरह से शुक्ल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शुक्ल जी की जो मान्यताएं समाज शास्त्र की दृष्टि से
ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी, एक पक्षीय थी। एक और उनका खंडन करते हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी मान्यताओं को, वे मान्यताएं जो सत्य अन्वेषण से युक्त थी, जो संतुलित दृष्टि से संपन्न थी, जो प्रामाणिक थी, जो परंपरा से ग्रहण की गई थी, उसको स्वीकार करते हैं। ना केवल स्वीकार करते हैं अपितु उसके माध्यम से, उस आलोचना दृष्टि के माध्यम से रचना और रचनाकार का उचित मूल्यांकन करते हैं और उसे साहित्य में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। चाहे हम सूर साहित्य को देख लें, सूर साहित्य भी उनकी एक व्यावहारिक समीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, कबीर आदि जो इनकी आलोचना परक, व्यावहारिक समीक्षा परक रचनाएं हैं, इन सब में इनकी यही आलोचना दृष्टि मूल रूप से दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि पर विचार किया। नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।